अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी सीमेंट सर्विस बुक किस तरह से बना सकते हैं और आप अपना सीमेंट आईडी कार्ड किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल अपडेट प्रोसेस की है 2022 की, और आपको बिल्कुल अपडेट और न्यू प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस क्या है। आपको पता है SSB बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है, नादरा के चक्कर होते हैं, बहुत लंबा चक्कर होता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा शॉर्टकट में, ताकि आप अगर अपनी नई SSB बनाने जा रहे हैं या अपना SID कार्ड बनाने जा रहे हैं तो आपको बहुत आसानी हो। दोस्तों, ये दो डॉक्यूमेंट चाहिए तब होते हैं जब आप सीमेन बन रहे हो। सीमेन का मतलब होता है जब आपने समुद्री जहाजों में सफर करना हो, तो आपको ये दो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड होते हैं, एक अपनी SSB और एक आपकी SID कार्ड, सीमेन आईडी कार्ड जो नादरा से मिलता है। तो इसका प्रोसेस ऐसा है कि जैसा कि आपने अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग रैंक के बंदे काम करते हैं, कोई हेल्पर होता है, कोई वर्कर होता है, कोई जनरल वर्कर, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई मैकेनिकल, कोई क्या मैनेजर तक होते हैं सब इस रैंक पोजीशन। इसी तरह से शिप में काम करने के लिए भी अलग अलग पोजीशन के वर्कर होते हैं, कोई GP3 होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, AB होता है, ऑयलर होता है, वेंडर फीडर होते हैं, अलग अलग होते हैं, ETO होते हैं, आगे मैंने कैप्टन तक होते हैं। तो ये सब स्टेप किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये आपकी SSB पे डिपेंड करते हैं। आपके पास सीमेंट सर्विस बुक किस पोजीशन की है, उस पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन की SSB मौजूद है तो आपने इलेक्ट्रीशियन पे जाके जॉब करनी है, इलेक्ट्रीशियन की पोजीशन पे। अगर आपके पास DM की है, डीजल मैकेनिक की, वेल्डर फिटर की, GP3 की, उसी पोजीशन में आपने जाके जॉब करनी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी SSB डिपेंड करती है आपकी एजुकेशन पे, आपकी तालीम कितनी है, उस तालीम के मुताबिक आपकी रैंक की SSB बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी सिविल सर्विस बुक बनाने जा रहे हैं और आपकी तालीम मैट्रिक है, तो दोस्तों उसका प्रोसेस ये है कि आप कहीं भी ऑफिस वगैरह किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ना जाएंगे। आपने जाना है पाकिस्तान मेरिन अकेडमी, या मेरिन अकेडमी जो हॉक्सवे में मौजूद है, या KPT में छोटे इंस्टीट्यूट है प्राइवेट वाले, उन इंस्टीट्यूट पे जाके 6 महीने का कोर्स करना है आपने। ये 6 महीने का कोर्स GP3 का कोर्स होता है, और मैट्रिक पोजीशन पर आप GP3 की SSB बना सकते हैं। जैसे ही आप ये कोर्स करते हैं, आपका एग्जाम होता है, आप एग्जाम में पास हो जाते हैं, तो उसके बाद वो इंस्टीट्यूट वाले खुद आपकी आपका सीमेन आईडी कार्ड और आपकी SSB बनवा कर देते हैं। आपको कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आपके पास मैट्रिक के बाद 3 साल डिप्लोमा है, चाहे मैकेनिकल में चाहे इलेक्ट्रिकल में, अगर आपके पास 3 साल डिप्लोमा मौजूद है, तो आप अपनी इलेक्ट्रीशियन या DM डीजल मैकेनिक वगैरह की SSB बनवा सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रोसेस ये होता है कि केमाड़ी में मौजूद है MMD मर्सेंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट MMD। दोस्तों, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पहुंच जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर आपको ऑफिस के अंदर आप जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूछें, मेरे पास डिप्लोमा है, मैं इस पोजीशन के लिए या इलेक्ट्रीशियन के लिए या DM के लिए SSB बनवाना चाहता हूं, उसका क्या प्रोसेस है। दोस्तों, वो आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे, ये अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए वेरीफाई करवा के, आपने बोर्ड ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा कर ले आने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी जो वो बोले आप लेकर आ जाएं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, और सबमिट के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपकी 1000 या 1500 तकरीबन फीस लगेगी वहां पर। उसके बाद आपका पहला स्टेप है आई टेस्ट का, आपको वो बुलाएंगे आई टेस्ट के लिए 10 दिन 15 दिन बाद, जब आपका टेस्ट होना है उस दिन आपको बुलाएंगे कि आपका आई टेस्ट होगा। दोस्तों, आप आई टेस्ट वाले दिन पहुंच जाएं, आपका आंखों का टेस्ट होगा, आपकी आंखें देखी जाएंगी, आपकी नजर कमजोर तो नहीं, आगे सही है, सब कुछ सेट होने के बाद फिर आपका, अगर आप आई टेस्ट में पास हो गए तो आपको आपकी फील्ड का टेस्ट के लिए फिर 10-15 दिन या 1 हफ्ते के बाद बुला लिया जाएगा, हो सकता है अगले दिन ही बुला लें, उन पर डिपेंड करता है जैसे उनके पास बंदे हो। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, DM के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए, तो आपको आपकी फील्ड के मुताबिक सिलेबस मौजूद है जो इस डिस्क्रिप्शन में भी है, मेरी वेबसाइट पे भी गिवन है, उस सिलेबस की आप तैयारी करें, उसी सिलेबस में से आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। ओरल टेस्ट होता है लेकिन 1-to-1 होता है, सामने बिठा कर आपसे पूछा जाएगा, आप ये बताएं इसका क्या मतलब, ये बताएं इसका क्या मतलब, ये ड्राइंग बना के बताएं, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आप उस टेस्ट की अच्छी से तैयारी करके जाएं, उस टेस्ट की इलेक्ट्रीशियन की तैयारी के लिए मेरी वीडियोस मौजूद है, आप वो वीडियो देख लें, उर्दू जबान में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, कुछ बेसिक आपकी सही हो जाएगी।
आप वहां जाकर टेस्ट आराम से दे सकेंगे। आपने वहां जाकर टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद आपको सीओसी मिल जाएगा, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ इस बंदे ने मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किए इलेक्ट्रिकल का और ये इलेक्ट्रीशियन की पोजीशन पर शिफ्ट में काम करने के लायक है, अहल है। तो आपको वो सीओसी गवर्नमेंट की मिल जाएगी, वो शिपिंग मास्टर की आपको सीओसी, पहला प्रोसेस आपका कम्प्लीट हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस में आपने कराची में टावर में मौजूद केडीएल बिल्डिंग है, उस केडीएल बिल्डिंग में चले जाना है, ये सेकेंड प्रोसेस है। अपना सीओसी, अपना ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्टिफिकेट लेकर आपने वहाँ पहुँच जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद केडीएल बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर सर इमदाद के पास जब आप पहुँचेंगे, हो सकता है इमदाद से चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पर आप पहुँचे आपने कहना है कि मैंने न्यू एसएसबी की एप्लीकेशन देनी है। जब आप नई एसएसबी की एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके पीछे रिक्वायरमेंट लिखी होगी कि ये डॉक्यूमेंट आप अपने लेकर आ जाए। आपने वो सारे डॉक्यूमेंट, वो आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट, वो आपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी जमा करवाने हैं, उसकी दो सेट फोटोकॉपी की बनाकर अटैच करवाकर सब चीज़ें जमा करानी है, अपनी तस्वीरें वगैरह, वो जब आप सारी चीज़ें जमा करवा देंगे आकर तो आपकी वेरिफिकेशन होगी सिर्फ डॉक्यूमेंट की, टेस्ट वगैरह सब खत्म हो गए, सब जो होना था आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर शिपिंग मास्टर के साइन हो जाएंगे, स्टैंप लग जाएंगे, आपका प्रोसेस आगे हो जाएगा, सेकेंड प्रोसेस कम्प्लीट। थर्ड प्रोसेस आपका हो जाएगा शिपिंग ऑफिस में, ये प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल है, आप जरा सही से समझ लेना। थर्ड प्रोसेस में आपने क्या करना होगा, थर्ड प्रोसेस में आपने ये करना है, शिपिंग ऑफिस जाना है, सबसे पहले वहां पे बताना है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट है, अब बताएं मैं आगे क्या करूं। वो आपको कहेंगे आप अपना पोर्टल में अपना पोर्टल बनाएं, उनका पोर्टल का लिंक ये मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो इस तरह से दोस्तों आपने पोर्टल पे जाकर अपनी आईडी बना के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने, दोनों के आपके दोनों के चालान निकलेंगे, दोनों चालान आपने स्टेट बैंक में जाके जमा करवा देने। इसके बाद आपने जाना है एक एफिडेविट बनवाने, आपने एफिडेविट में इस मकसद के एफिडेविट होगा कि उसमें ये लिखा हुआ होगा कि मेरा नाम ये है, मेरे अब्बू का नाम ये है, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर ये, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, एड्रेस और सारी डिटेल आपकी लिखी होगी। उसके बाद अलग पैराग्राफ में लिखा होगा कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, जो भी चीजें, जो भी डिटेल है, वो सब ओरिजिनल है, कुछ भी चीज फेक नहीं है। ये आपने एफिडेविट में लिखकर, ये एफिडेविट आपने साथ ओरिजिनल जमा करवाने, अपने चालान लेकर जाने हैं जमा करवाने, ये सब चीजें आप लेकर जाकर आप जमा करवा देंगे। जैसे ही आप जमा करवाएंगे शिपिंग ऑफिस में, एक दो दिन के बाद आपको एसएमएस आएगा कि आप अपना सीमेन आईडी कार्ड बनवाने के लिए पहुंच जाए नादरा के ऑफिस। जब आपके मोबाइल पे एसएमएस आए उस दिन आप पहुंच जाए नादरा के ऑफिस। नादरा का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, सब चीजें मौजूद हैं। नादरा के ऑफिस आप पहुंचे और नादरा के ऑफिस में जैसे ही आप पहुंचेंगे आपका नंबर होगा, जो बंदे बैठे होंगे उसके मुताबिक नंबर होगा, नंबर पे जाएं, आपकी डिटेल होगी, तस्वीर खींची जाएगी, हाथों हाथ ₹1000 फीस लेंगे आपसे, हाथों हाथ आपका कार्ड प्रिंट करके एसआईडी सीमेन आईडी कार्ड आपको दे देंगे, आपका सीमेन आईडी कार्ड का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक सीमेन आईडी कार्ड का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आप उस कार्ड की एक फोटोकॉपी करें और वो फोटोकॉपी लेकर शिपिंग ऑफिस में जमा करवा दें। जो आपने बाकी डॉक्यूमेंट जमा करवाए उनको बता दें मेरा एसआईडी बन गया, सीमेन आईडी कार्ड बन गया, या आप उसकी फोटोकॉपी जमा कर दें। जब आप वो फोटोकॉपी जमा करवा देंगे तो उसी वक्त वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर देगा कि ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, या आप जाके मेडिकल ऑफिसर से यहाँ पर स्टैंप लगवा कर आ जाए, साइन करवा के आ जाए, मतलब कि आप अपना मेडिकल करवा के आ जाए। शिपिंग ऑफिस से जैसे ही निकलेंगे उल्टे हाथ में केपीडी की हॉस्पिटल है, उसके अंदर घुस जाए, जो भी उनका प्रोसेस है सब लेन देन करके वहां पर जाकर आपने ये स्टैंप लगवा देना उसके ऊपर, मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर, आगे वापस ओरिजिनल वाला जमा करवा देना। इन सब चीजों की आप एक एक मोबाइल में तस्वीर खींच लेना अपने सबूत के लिए। ओरिजिनल जैसे ही आप जमा करवा देंगे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सीमेन सर्विस बुक का थर्ड प्रोसेस भी कंप्लीट। फिर आपको वो 10-15 दिन का टाइम देंगे कि आप 10-15 दिन बाद आ जाएं, आपकी एसएसबी आ जाएगी। आप जाएंगे खुद जाना पड़ेगा, कॉल वॉल नहीं आएगी, वो कहेंगे कि कॉल कर देंगे लेकिन आती कॉल नहीं है, आप खुद जाएं, हर हफ्ते दो दिन बाद चले जाएं, पूछे वहां से मेरी एसएसबी आ गई नहीं आई, आ गई होगी तो आपको वो एसएसबी दिखाएंगे, उसमें अंगूठे लगाएंगे आपके और कहेंगे कि आप एक हफ्ते का टाइम दे दें, हम अपना प्रोसेस पूरा करके एक हफ्ते बाद आपको दे देंगे। आप एक हफ्ते बाद, दो तीन दिन बाद जब भी चले जाएं उनको बोलते रहे, वो आपका प्रोसेस कर देंगे और जैसे ही वो अंगूठे लग के साइन हो गए प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आपके हाथ में आपका एसएसबी आ जाएगी। आपके पास एसएसबी भी आ गई, सीमेन आईडी कार्ड भी आ गया,
अब आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए हैं, आप जाएं एजेंट के पास चक्कर लगाएं और अपनी शिप पे जॉब हासिल करें। तो दोस्तों ये बहुत आसान प्रोसेस है और अपडेट प्रोसेस है, आप ये पूरा करेंगे इंशाल्लाह आपके एसएसबी बनाने में कोई मसला नहीं होगा, सीमेन आईडी कार्ड नया बनाने में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।